तहसील पंडेर धर्मनगर में श्री बजरंग रामलीला कला मंडल अध्यक्ष भागचंद टेलर ने बताया कि बुधवार को प्रथम 108 रामायण पाठ की वर्षगांठ की तृतीय पैदल यात्रा के अवसर पर श्री दोलपुरा बालाजी महाराज के आकर्षक मनमोहक श्रृंगार चोला चढ़ाया गया। दो दिवसीय महोत्सव के दौरान मंदिर परिसर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। श्री दोलपुरा बालाजी मंदिर विकास कमेटी अध्यक्ष राम प्रसाद माली ने बताया कि प्रथम 108 रामायण पाठ की पूर्णावृत्ति की वर्षगांठ के अवसर पर तृतीय पैदल यात्रा के पहले मंदिर कमेटी द्वारा बुधवार को देवरिया के स्पेशलिस्ट चोला कलाकार रामधन कुमावत ने श्री दोलपुरा बालाजी महाराज के मनमोहक श्रृंगार चोला चढ़ाया गया। पुजारी सीताराम वैष्णव सचिन वैष्णव ने बालाजी की पूजा अर्चना से सेवा आरती की गई। समाज सेवी मुकेश कुमार जाट ने बताया कि तृतीय पैदल यात्रा के अवसर पर बुधवार को प्रातः 8:15 पर अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ किया गया। शनिवार को तृतीय पैदल यात्रा सुबह 9:00 बागर के बालाजी बस स्टैंड पंडेर से श्री दोलपुरा बालाजी महाराज के दोपहर 2:00 पहुँची। भजन संध्या के बाद 4:00 बालाजी के भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। सचिव योगेश कुमार सुखवाल ने बताया कि रामायण पाठी भागचंद टेलर मनोज कुमार तिवारी टिंकू दहादीज सुनील कुमार जैन दिनेश कुमार लक्षार विनोद कुमार तेली नरेंद्र कुमार साहू अंकित कुमार सेन आयुष कुमार तिवारी दिन बंधु तिवारी बाबूलाल पाराशर गणेश दहाजिद महावीर प्रसाद चाष्टा अभिषेक कुमार सुखवाल अमित कुमार शर्मा ने संगीतमय रामायण पाठ किया गया। कोषाध्यक्ष नवीन कुमार डानी ने बताया कि रामायण पाठ के दौरान बालाजी मंदिर को रंगीन गुब्बारों विद्युत लाइटों गुलाब के फूलों से सजाया गया। इससे पहले भक्त जनों द्वारा मंदिर परिसर की साफ सफाई की गई। रामायण पाठ के दौरान दोलपुरा बालाजी कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित रहे। सभी भक्तजनों सदस्यों की उपस्थिति में गुरुवार को बालाजी मंदिर का दान पात्र खोला गया। दो दिवसीय महोत्सव के आय व्यय का बोरा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर सभी बालाजी सदस्यों का दोलापुर बालाजी की तस्वीर भेंट कर सम्मान किया गया।